आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी पार्टियां इसमें भाग लिया है। मैं सबसे पहले सभी सांसद महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा सरकार आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद से देश को बचाने के लिए ये एक्ट ला रहे हैं। इसमें संसद का जिम्मेदारी बनता है, सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है, इसलिए हम इस एक्ट ला रहे। मनीष तिवारी जी, आदरणीय सांसद जी, सिविल लिबर्टी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, फ्री एंड फेयर प्रोसिक्यूशन के बारे में बता रहे। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, अभी हमारा आदरणीय माम होम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने बताए, हम फेडरल सिस्टम के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके द्वारा संसद को, जो स्टेट के जितने भी पुलिस की एजेंसीज है, हमारा एनए एजेंसीज है, पूरे मिलजुल के काम करे, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जो स्टेट टीम्स है, सेंट्रल टीम्स, अभी उसके लिए एक हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है, देर एग्जिस्ट वेल एस्टाब्लिश इश्यूड इंटर एजेंसी इंटेलिजेंस डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म फॉर टेररिज्म रिलेटेड थ्रेट्स इंटेलिजेंस इनपुट्स मल्टी एजेंसी सेंटर MESC मल्टी एजेंट सेंटर हैज बीन स्ट्रेंथेंड एंड रीऑर्गेनाइज्ड एंड अनेबल टू फंक्शन 24/7 बेसिस विद रियल टाइम कोलेशन ऑफ शेयरिंग इंटेलिजेंस विथ इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ स्टेट विच एंश्योर्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सिस्टम मोस्टली द स्टेट कैपिटल्स एंड कनेक्टेड MESC। ये स्टेट और सेंटर के साथ हमारे NIC लगातार तालमेल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट का कोई हम दखल नहीं देंगे। जो स्टेट का पुलिस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टेररिज्म के विषय पर मिलजुल के काम करेंगे, अपना संसद को बैठ के स्टेट को सेंटर के भेदभाव के बात नहीं करना चाहिए, हमारा इच्छा है। और अध्यक्ष जी, अभी इंटरनेशनल के बारे में आपको क्या अधिकार है, कैसा आप विदेश में जाके करेंगे, कुछ संसद में बोले, पाकिस्तान में कैसा करेंगे, पाकिस्तान के साथ कैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या किया है पुलवामा के बाद, पठानकोट के बाद, पाकिस्तान को बता चुके हैं कैसा इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारा नरेंद्र मोदी सरकार कैसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं पाकिस्तान के साथ, हम बता चुके हैं। मगर दूसरा देश का बात करूं, हमारा देश के साथ सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस। दिस एक्ट इज एमेंडेड इन द शेड्यूल ऑफ द NIA एक्ट। जो आप एक्ट बना है कांग्रेस सरकार ने, जब भी इस सार्क के अंदर, सार्क के साथ इस विषय पर जोड़ा है, विदेश में भी जाके करने का, मगर एक्टिविटी नहीं थे, अभी हम करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सरकार जब 2000 एक्ट में बनाए, उसमें मैं बताता हूं, उसमें जो जो इश्यूज है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ये NIA एक्ट के अंदर आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 NIA एक्ट के अंदर आया, ये हमने लाया, कांग्रेस सरकार लाया। ये एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 ये NIA के अंदर है, दि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट इज अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एक्शन एक्ट 1982 EBI, दि सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993 ये भी NIA के अंदर है, दि सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मेरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शिप एक्ट 2002 ये भी है, दि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005, ऐसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट कंट्री इसमें भी है, ऐसे बहुत कुछ इस पहले से है, हम उसको और एक्टिव करना, आपका सरकार के समय पे ठीक तरीके से काम नहीं हुआ है, उसको हम थोड़ा अमेंडमेंट के साथ ठीक तरीके से NIA को काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, ये अभी कोर्ट का भी बात किया है, इसमें जो विदेशों के बारे में बहुत तो और देते हैं और ऐसे भी और बताते और बताता हूं, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सप्रेशन ऑफ टेररिज्म टेररिस्ट बॉम्बिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इंटरनेशनल एक्ट है, दी सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी
of Maritime Navigation and Fixed Platforms of Continental Act 2002. इसके अंदर भी हम विदेशियों के साथ समझौता करते हैं, समय समय पर जो भी इंसिडेंट होते हैं देश के साथ बात कर सकते हैं। जो भी देश है आज टेररिज्म कोई सपोर्ट नहीं करते, कुछ लोग बोले हैं टेररिज्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम का आदरणीय डीएमके सांसद राजा जी बोले हिंदू उनको टेररिज्म को कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म को कोई रिलीजन नहीं है, टेररिज्म को कोई कास्ट नहीं है, टेररिज्म को कोई रीजन नहीं है, टेररिज्म टेररिज्म है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये टेररिज्म कोई जेंडर भी नहीं है। इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ना सारी दुनिया का जिम्मेदारी है, संसद का जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टी का जिम्मेदारी है, हमारा सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चौकीदार का सरकार है। ये चौकीदार देश की रक्षा करने के लिए आगे रहेंगे हमारा सरकार। अध्यक्ष जी, अभी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं उसके स्टेट टेरिटोरी में होते हैं, इसमें ये नहीं आते नहीं। जो इंटर स्टेट का इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके हम उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू लेते हैं, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंटर स्टेट हो इंटरनेशनल भी हो इस विषय पर हमारे एनआईए को इसमें अधिकार दिया गया। दूसरा, हमारा स्टेट को ना बताते हुए आते हैं, एनआईए ने रेगुलरली जो भी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का गतिविधि जिस स्टेट में हुआ है उस स्टेट चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं, उस स्टेट के डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं, उस स्टेट के इंटेलिजेंस चीफ को चिट्ठी लिखते हैं, आपके पास इसके विषय पहले दीजिए, उसके बाद हम भी आना चाहते हैं। वैसा बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग के साथ उस स्टेट में जाके एनआईए आतंकवाद के विषय पर इन्वेस्टिगेशन करते, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आपका जो जितने भी डीजीपी से बात करो कोई डीजीपी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईए एक मिलजुल के काम करने वाला संस्था है, किसी का शिकायत भी नहीं, किस किस का शिकायत भी नहीं है। अध्यक्ष जी, और केसेस के बारे में बोले, 90% कैसा है, जो अभी तक 272 केसेस एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, 272 केसेस एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, उसमें 51 केसेस का कोर्ट जजमेंट दिया गया है। 51 केसेस में, वो 51 केसेस में 46 केसेस में कन्विक्ट हो गए, 46 केसेस, ये 90% बोला मैं। सुप्रिया जी, आदरणीय सुप्रिया जी बात किए, इसमें जो जजमेंट हुआ है उसमें 90% लोगों को कन्विक्शन हुआ, ऐसा मैं आप बता चुका हूं। और दूसरा, इसमें जो चार्जशीट 272 केसेस में एनआईए का काम किया है, 272 केसेस में लगभग 199 केसेस में चार्जशीट दाखिल किया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट पुलिस में बहुत अलग अलग केसेस रहते हैं, उसमें ठीक तरीके से काम नहीं होता, इसीलिए आप एनआईए कांग्रेस सरकार ही लाया है, इसलिए वो काम और आगे और मजबूत देना चाहते हैं, और इसलिए कन्विक्शन रेट से 90% ये बता चुका हूं मैं। दूसरा, मालेगांव केस का भी कुछ उठाए गए, स्पेशल पीपी रोहिणी जी का स्टेटमेंट भी दिया है, एसएलपी पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सिंस मैटर इज सच सब जुडिस बियॉन्ड बी प्रोबिंग कमेंट एंड भी इस इश्यू पे बताए। और दूसरा, ये जजेस के बारे में बात किया है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई that appointment of judges of NIA special court will be continued to be done by chief justice of high court concerned as a being done by now, aisa ab jaisa ho raha hai future mein bhi aisi hoga, usme koi badlav nahi hai. Proposed amendments are for simplification and avoid delay as our government wants to make sure that terrorists are punished quickly in accordance with legal provisions. The amendment will result the speedy investigation and prosecution that improves NIA's performance. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का इश्यूज पे हाउ कोर्ट क्या करते हैं, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो एक्ट है उसके अंदर उस केसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो अपना
एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जितने भी केसेस हो सकते हैं उस केसेस के ऊपर स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके स्टेट गवर्नमेंट भी वो केसेस भी स्पीड अप करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देने का काम है। वो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पेशल कोर्ट है हम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए कोई लेना देना नहीं, अधिकार दे रहे हैं। और दूसरा, ये अपना एक ही देश में नहीं है, अभी फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है दुनिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर, उनके साथ बहुत देशों के साथ समझौता है, हमारा देश है, जैसा वो आ सकते तो इधर इंडिया भी आ सकते हैं, अपने बातचीत करके आ सकते हैं। हम भी ऐसा जाके तुरंत फ्लैट से उतर के जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उससे पहले हमारा एम्बेसिडर जाते हैं, उस देश से बात करते हैं केस क्या हुआ, तुरंत जाते हैं बात, आप सब लोगों को मालूम है, बुद्धिजी दिया सब लोग, इसीलिए वैसा एक सिस्टम है, सब देशों के साथ बातचीत करके उनका अनुमति से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन लेवल पे अग्रीमेंट हुआ है ये टेररिज्म के विषय पर, एक देश का समस्या नहीं है, एक ग्लोबल इश्यू है, इसके लिए सभी देशों के अंदर अग्रीमेंट्स है, वो अग्रीमेंट्स के अंतर्गत जो काम होगा। और दूसरे हमारे राजा साहब भी मैं जवाब दिया हूं, कर्नाटक के बारे में, दावलकर के बारे में, पालबर्ग के बारे में भी बात किया है, वो उधर कांग्रेस पार्टी सरकार है, हम भी चाहते हैं कोई व्यक्ति का देश में आतंकवाद के कारण हत्या नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले हमारे मैं रवनीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अच्छा बात किया है, क्योंकि उनको दिल को मालूम है, उनका दुख होता है, एक व्यक्ति जो हमारा सेना काम करते हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, हमारा पुलिस के लोग, आम जनता, एक टेररिस्ट के कारण एक आदमी का हत्या बलिदान हो गए तो उतना परिवार कितना दुखी है, ये आज ये रवनीत सिंह जी का मालूम पड़ते हैं। सभी लोग समझना चाहिए ये इसमें राजनीति नहीं है, कोई मजहब के संबंध नहीं है, इसीलिए ये काम होना चाहिए। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं ये पाकिस्तान का नहीं तो इसराइल का बात किया, असदुद्दीन साहब, असदुद्दीन वही साहब, नहीं नहीं इसराइल का बात किया, इसराइल का बात किया, इसराइल का बात किया, इसराइल, इसराइल का बात किया, हमारा इसराइल भी हो अले नहीं तो दूसरा कंट्री हो हमारे लिए एक ही है, ये हमारा एक ही है हमारे लिए। और मैं बताना चाहता हूं हम हिंदू मुस्लिम के विषय पर, इस आतंकवाद के विषय पर हमारा कोई नहीं, आप तो बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, तो सुनना नहीं चाहते, सुनना की क्षमता में रखना चाहिए, सुनो हमारा, हमारे लिए पाकिस्तान हो पालिस्तीन हो, हमारे लिए हमारे सरकार के लिए पाकिस्तान हो पाकिस्तान, पाकिस्तान हो। मान्य सदस्य आप उनका जवाब मत दीजिए, आप सुनो अध्यक्ष जी हमारे लिए पालिस्तीन हो इसराइल में हो, हम दोनों देशों से दोस्ताना करते हैं, दोनों देशों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमारा कोई नहीं है। प्लीज मैंने आपको माननीय सदस्य मौका दिया, प्लीज माननीय सदस्य, केवल माननीय गृह राज्य मंत्री जी का अंकित हो, किसी का अंकित नहीं होगा, इनका कोई गाना आप जवाब मत दीजिए, सक्षम गृह मंत्री जी, इनका ये हमारा को कोई सिखाने का जरूरत नहीं, हमारा सरकार को, हमारा सरकार इस भारत का 130 करोड़ जनता का रक्षा करने का जिम्मेदारी जनता हमारे को दिया है, हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो हमारे लिए एक ही है, हम बताएं आप, हम किसका सिखाने, इस देश में हिंदुओं को, हिंदू भगवानों को, राम को, 15 मिनट पुलिस को हटाओ, इस भारत के 130 हिंदुओं का काम मैं रखूंगा, ऐसा बोलने वाला आगा चोरी, हमारे को सिखाने का जरूरत नहीं है, हमारे को सिखाने का जरूरत नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते, उनका स्टोरी हमारा सिखाने का नहीं है, ये संसद में बोलने का कोई जरूरी नहीं है, हिंदुओं को 15 मिनट पुलिस को हटाओ, हम इस देश का हिंदुस्तान को हिंदुओं को देखेंगे। अध्यक्ष जी मैं हमारा होम मिनिस्टर साहब के परसों बताए, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने का जिम्मेदारी हमारा सरकार लेंगे आने वाले दिन में।
हमारा हमें पहला बात सोचूंगा, हमारा चौकीदार इस देश के नाते, हम चौकीदार के नाते जीत के आए, देश का सेवा करने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए चौकीदार के साथ काम करेंगे हम। इसलिए मैं सभी सांसद से बोलता हूं, राजनीति से उठकर, ये हमें राजनीति से उठकर, ये राजनीति का संबंधित नहीं है, ये देश का संबंधित विषय है, ये देश के आतंकवाद का विषय है, देश का रक्षा का विषय है। इसलिए मैं जो भी सुझाव दिया है, अच्छे अच्छे सुझाव भी दिया है, हम उसका वो जो सुझाव को मन में रखेंगे, आने वाले दिन में वो सुझाव के आधार पर जो अच्छा सुझाव दिया है देश के हित के लिए, आतंकवाद के खिलाफ के लिए, कुछ सदस्य बोले एनआईए और स्ट्रेंथन करना, उनका स्टाफ भी बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना, जरूर मैं मानता हूं, जो भी हम भी सोच रहे, क्योंकि अलग अलग इश्यूज जोड़ रहे, उसके लिए आने वाले दिन में एनआईए को एक शक्तिशाली एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एजेंसी हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग इसमें बिल्कुल समर्थन करिए, हम इस मजहब के संबंध नहीं है, राजनीति संबंध नहीं है, मिलजुल कर, क्योंकि मैं पहला बता चुका हूं, इस देश में मुख्यमंत्री भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा, प्रधानमंत्री भी आतंकवाद के कारण बलिदान करा, माजी प्रधानमंत्री भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री आतंकवाद को बलिदान देना पड़ा, अभी पुलवामा में 40 लोग हमारे पैरामिलिट्री के सीआरपी का जवान बलिदान देना पड़ा, क्योंकि अपन उनका परिवार वो गरीब होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया होगा, उन्होंने काम पे देश का करने के लिए, देश का सेवा करने के लिए, मगर वो एक व्यक्ति है, उनका परिवार है, उनके बच्चे है, उनका माँ है, उनका पिता है। इसीलिए आतंकवाद को किसी तरह अपन इस देश में आने वाले दिन में खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे सब मिलजुल के। जय हिंद।